हेलो एवरीवन, मेरा नाम जुनैद अहमद है। सिविल सर्विसेज 2018 में मैंने थर्ड रैंक हासिल किया था, और अभी जैसे कि प्रीलिम्स में 20-22 दिन बचे हैं, तो आई थिंक कि मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें जो एस्पिरेंट्स हैं, जो एग्ज़ाम लिख रहे हैं, उनको उन चीज़ों के बारे में बताऊं जो उनको करनी चाहिए और जो नहीं करनी चाहिए इस टाइम पीरियड में, क्योंकि ये टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको इस पीरियड में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने हैं, टेस्ट सीरीज़ आपको लगानी है। ये आपको एक आइडिया देते हैं कि वहाँ पे एग्ज़ाम में आपको किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, आपको उनको कैसे हैंडल करना है। और इससे क्या होता है, आपका एक तरह से रिविज़न भी होता है। जो चीज़ें आपने पढ़ ली हैं जब वो क्वेश्चन के फॉर्म में आती हैं, तो जहाँ पे मिसिंग लिंक्स होते हैं वो आप कवर अप कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको हेल्प करती है इस चीज़ में। तो आपको टेस्ट सीरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लगानी है, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं। दूसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको वहाँ पे टाइम मैनेज कैसे करना है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जो 2 आवर्स में आप 2 आवर्स में आप करते हो वहाँ पे, वो डिपेंड करेगा कि आप सेलेक्ट हो गए या नहीं हो गए। क्योंकि मैंने ऐसे कुछ लोगों को देखा है जो टेस्ट सीरीज़ में बहुत अच्छा कर रहे थे, बट वहाँ पे जाके नहीं कर पाए, क्योंकि ओनली रीज़न कि वो उतना काम कंपोज नहीं रह पाए, और उन्होंने वो वहाँ पर प्रेशर में आके उन्होंने सब चीज़ें गड़बड़ कर दी। तो ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी है। ऐसा ऐसा मैंने एग्जांपल्स देखे जो अटेम्प्ट किया लेकिन 60-65 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, और बाद में जब उन्होंने काउंट करें तो उनको रियलाइज़ हुआ कि बहुत कम अटेम्प्ट करें। तो ये क्या होता है कि प्रेशर होता है वहाँ पे। ऐसे ही ओमैट शीट में बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं कभी कभी, आप जब फिलअप कर रहे होते हो, तो ये सब भी प्रेशर के अंदर होता है। तो आप जितना काम कंपोज रहेंगे उन 2 आवर्स में, वो बहुत हेल्प करेगा आपको एग्ज़ाम क्लियर करने में। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जब एग्ज़ाम के लिए जाएं तो एटलीस्ट 2 आवर्स, एटलीस्ट हाफ एन आवर पहले वहाँ जाके बैठें और अपने एक कंपोज्ड उसमें आप अपना एग्ज़ाम लिखें। तो ये चीज़ सेकंड चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड चीज़ ये है कि जब आप पेपर करते हो टेस्ट सीरीज़ में भी और यूपीएससी में भी, ऐसा होता है कि आपका स्कोर कंटिन्यूसली लो आता है टेस्ट सीरीज़ में कभी कभी, और आप 40-45 क्वेश्चंस के बाद आप सॉल्व नहीं कर पाते। यूपीएससी में तो खासकर यही होता है। तो टेस्ट सीरीज़ में स्कोर लो आना, आप उससे कभी डीमोटिवेट मत होइएगा। टेस्ट सीरीज़ में डिलिब्रेटली वो ऐसे क्वेश्चन पुटअप करते हैं ताकि आप वहाँ पर मिस्टेक करो। तो उसमें स्कोर अगर लो आ रहा है कंटिन्यूसली, तो आपको वहाँ पर डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको उस पर वर्क करना है आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। और यूपीएससी से रिलेटेड क्या है कि आप जब यूपीएससी का एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते हो, तो हर एक जो भी एस्पिरेंट है उसको 40-45 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आते हैं, क्योंकि नॉर्मली यही होता है, इसी तरीके से पेपर सेट होता है। तो वहाँ पे जाके पैनिक नहीं करना है कि मुझे थोड़े से ही आ रहे हैं। अब क्या होता है कि वहाँ पर आपको अपनी अप्लाइड नॉलेज लगानी है, आपने जितना भी पढ़ा है उसको अप्लाई करना है, तो वहाँ पर आपको उस वे से आपको आंसर्स निकालने हैं। तो यहाँ पर तीसरी चीज़ जो है एलिमिनेशन टेक्निक, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एलिमिनेशन टेक्निक इज़ समथिंग जो आपको प्रीलिम्स क्लियर करवाती है। जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनके जो ऑप्शन सेट होते हैं, उनके जो स्टेटमेंट सेट होते हैं, उनमें आपको ऑब्वियस रॉन्ग चीज़ें ढूंढनी है। उसमें यूपीएससी हिंट देता है कि क्या चीज़ नहीं हो सकती है, ऐसे ही डिलिब्रेटली वो स्टेटमेंट्स पुट अप करता है। तो वो आपको काटना है। आप जितने ज़्यादा वो चीज़ काटोगे उतने ज़्यादा आप आंसर पर पहुँच सकते हो। तो इंस्टेड ऑफ सेलेक्शन के क्या सही है, आपको ये देखना है कि रॉन्ग क्या है। जैसे जैसे आप रॉन्ग काटोगे आपका अल्टीमेटली सही उस पर पहुँच जाते हो। तो एलिमिनेशन टेक्निक पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हैं पुराने अभी के, इस पीरियड में देखें आप, उसमें आप एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यूपीएससी कैसे सेट कर रहा है ऑप्शंस को, स्टेटमेंट को, ये आपको हेल्प करेगा एग्ज़ाम में ये चीज़ें क्लियर करने में। अब एक नेक्स्ट चीज़ आती है कि हाउ मेनी टू अटेम्प्ट। कुछ लोग बोलते हैं कि 80-85 अटेम्प्ट करने चाहिए, कुछ 85-90, कुछ बोलते हैं जितना एक्यूरेट हो उतना ही करना चाहिए, बाकी नहीं करना चाहिए। तो आई विल सजेस्ट कि ये सब डिपेंड करता है कि आप पेपर के नेचर पे। जैसे कि 2016 में पेपर थोड़ा रिलेटिवली इजी आया था, तो कट ऑफ भी 116 गई थी, लोगों ने 90-95 अटेम्प्ट किए थे। लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो कट ऑफ 98 ही गई थी, पेपर वाज रिलेटिवली ऑन द टफर साइड। तो इसमें क्या था कि लोगों ने 80-84 अटेम्प्ट करे थे। तो आईल से कि वहाँ पर आपको देख के डिपेंड कर डिसाइड करना है कि आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं वहाँ पर। और अगर मेरे से नंबर पूछा जाए तो 85-90 इज़ अ गुड नंबर। आप इजी भी है, टफ भी है, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी आ रही है तो उस रेंज में अगर आप अटेम्प्ट करते हो और रिस्क मार्जिन कम करते हो, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई।
अब एक आता है कि जब आप एलिमिनेशन यूज़ करते हो, जब आप जो क्वेश्चन आप लॉजिक से सॉल्व करने का ट्राई करते हो, तो कई बार क्या होता है आप दो ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हो और दो रह जाते हैं 50-50 पे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप दो ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हो तो आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है किसी भी तरीके से, क्योंकि वो रिस्क मार्जिन वहाँ कम हो जाता है और आपके चांस मार्क्स आने के वो बढ़ जाते हैं। तो 50-50 में जहाँ पे भी आता है वो मोस्ट ऑफ़ द क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट, आपको ज़्यादा अटेम्प्ट करने हैं, आपको ये देखना है ताकि आपका जो है मार्क्स ऊपर आ सके। क्योंकि रिलेटिवली क्या होता है कि 90-95 मार्क्स लाना एग्ज़ाम्स में बहुत ईजी होता है, बट उसके बाद एक एक मार्क ऊपर करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक और चीज़ जो है वो है कि लास्ट टाइम में आपको पैनिक नहीं करना है इन डेज़ में। क्या होता है कि आपने किसी को पढ़ते हुए देखा, उसका वो कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है नया, आपको नहीं आता, आप पैनिक कर जाते हो, पता नहीं कवर्ड है या नहीं है, आपने कोई नया टेस्ट लगा लिया उसमें आपका स्कोर कम आ गया, आप डीमोटिवेट हो जाते हो, या आपने कुछ नया पढ़ लिया न्यूज़पेपर में उससे भी डीमोटिवेशन हो जाता है। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है। आप जितना ज़्यादा इस पीरियड में 20-22 दिन है इसमें अपने आप को काम रखेंगे, नई चीज़ें अवॉइड करेंगे, जितना ज़्यादा रिविज़न करेंगे वो आपके लिए हेल्प करेगा। तो ये सब चीज़ें अवॉइड कीजिएगा, नई बुक्स लेना या नई चीज़ें पढ़ना जो पढ़ा नहीं है, या नए क्वेश्चन उठाना, तो ये सब अवॉइड करिएगा लास्ट टाइम में। जितना हो सके आपको काम कंपोज रहिएगा। और उसके बाद ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन इट इज़ इम्पॉर्टेंट आप प्रॉपर स्लीप लो, क्योंकि क्या होता है एंग्जाइटी तो होती है, लेकिन आपको एटलीस्ट 10-15 डेज पहले से अपना रूटीन प्रॉपर कर लेना चाहिए ताकि आपको रात को नींद आ सके। प्रॉपर स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सुबह में आप एग्ज़ाम में अगर प्रॉब्लम है तो आप वैसे ही वहाँ पे नहीं अच्छे से कर पाओगे, तो प्रॉपर स्लीप लेना चाहिए। सुबह आपको जैसे मैंने बोला हाफ एन आवर पहले एटलीस्ट एग्जामिनेशन हॉल पहुँचना चाहिए, वहाँ पर आपको अच्छे से बैठ के और पेपर करना चाहिए। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको हेल्प करेंगी एग्ज़ाम में, एंड आई विश एवरीवन ऑल द बेस्ट। थैंक यू।